हे गाइस, वेलकम बैक। सो ये छोटे से वीडियो में हम एक और मेंटल मिस्टेक के बात करने वाले हैं। तो मेंटल मिस्टेक बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने देखा है कि मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स का एक इंटेंशन ही होता है हमेशा के लाइक, हमको एक स्टॉक को तो सस्ता उठाना है, ठीक है। दैट मीन्स वी वॉन्ट टू बाई अ स्टॉक चीप, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और सस्ते का सबसे बड़ा चीज क्या है, लोग क्या करते हैं, स्क्रीनर में जाते हैं और पी रेशियो देखते हैं। अब पी रेशियो का मतलब क्या है, पी रेशियो का मतलब है कैसे, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी एक एक शेयर पे अगर एक रुपए कमा रहे हैं तो उसके ऊपर मैं कितने टाइम्स उसका मैं प्राइस दू, राइट। सो से एक कंपनी का अगर पी है 100 और दूसरा कंपनी का पी है 10, तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को क्या लगेगा, दूसरा वाला कंपनी खरीद लो, बिकॉज ये ओनली 10 times ऑफ इट्स अर्निंग्स मिल रहा है, जबकि पहला वाला कंपनी तो भाई 100 times अर्निंग्स है, भाई मैं और कुछ देखूंगा ही नहीं, मैं तो सेकंड वाला ही ले लूंगा। अब इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। और लेट अस अंडरस्टैंड के लाइक ये प्रॉब्लम कहां से आती है। पहला पॉइंट तो एक है, ये हमारे एक डीप साइकोलॉजिकल एक बायस है। मतलब आप कोई भी इंसान का नॉर्मल लाइफ देखोगे तो इंसान हमेशा मतलब अपने अपने नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, मतलब मैं स्टॉक मार्केट के बाहर का लाइफ का बात कर रहा हूं, वहां पे सब कोशिश ही करते हैं कि हर जगह में थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाए, हर जगह में बार्गेन कर ले, ठीक है। तो मार्केट में आके वही बार्गेनिंग वाला मेंटालिटी लाते हैं एंड दे ओनली ट्राई टू सेव कॉस्ट इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर ग्रोथ, ठीक है। मतलब क्या है, सोचिए एक स्टॉक सस्ता कब दिखता है, लॉजिकली सोचिए, ठीक है। एक स्टॉक सस्ता तब दिखता है जब उस स्टॉक के पीछे कोई पड़ा नहीं है, है ना। एक स्टॉक तब सस्ता दिखता है जब उस स्टॉक का कोई डिमांड ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तो वो स्टॉक सस्ता है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर सस्ता स्टॉक मतलब खराब है या समथिंग लाइक दैट, वो तो कंपनी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर कंपनी का अर्निंग्स मोमेंटम आ गया तो सस्ता स्टॉक एक्सपेंसिव हो जाएगा, बिकॉज तब डिमांड बढ़ेगा, ऐसे सोचिए। लेकिन सोचिए एक स्टॉक अगर बहुत दिन से सस्ता पड़ा है, ठीक है, आज भी आपका वो सस्ता पड़ा है, लेकिन क्या होता है ना, आप ये सवाल नहीं पूछते हो कि वो सस्ता क्यों है। आप जाके सबसे पहले देखते हो, अच्छा सस्ता है तो चलो पोर्टफोलियो में ले लो, ठीक है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देके बात करना चाहता हूं कि यहां पे आप मेजॉरिटी लोग यहां पे ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। सोचिए ना, जो कंपनी का आज सेल्स 40-50-60% से ग्रो कर रहा है, ठीक है, वर्सेस जो कंपनी का सेल्स ग्रो ही नहीं कर रहे, पिछले साल का जो सेल था इस साल वही सेल है, तो वैसे स्टॉक में कहां से डिमांड आएगा। जबकि जो कंपनी का सेल्स 40-50-60-80% से बढ़ा उसके पीछे तो बहुत डिमांड आएगा ना। तो जब भी आप वो स्टॉक को देखोगे आपका पी रेशियो आपको हाई दिखेगा, राइट, आपको वो स्टॉक एक्सपेंसिव लगेगा। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, ठीक है। एज ऑफ दिस डेट, ऑफ कोर्स मैं जो भी डेटा लेके बात करूंगा ना, बिकॉज ये डेटा शायद वैलिड नहीं हो गोइंग फॉरवर्ड, बट आपको ये प्रिंसिपल समझ में आनी चाहिए, कल कोई और स्टॉक के साथ यही हो सकता है, राइट। तो एक सेगमेंट के बारे में सोचते हैं, अपैरल सेगमेंट, ठीक है। उसमें से आप देखोगे कंपनी है ट्रेंड करके, और दूसरा और दो और नाम ले सकता हूं मैं, चलिए दो और नाम ले लेते हैं, रेमंड्स एंड मोंटे कार्लो, ठीक है। आप देखोगे ट्रेंड, रेमंड्स एंड मोंटे कार्लो, ये सारे रिटेल अपैरल स्पेस में है, इनका अपने अपने बड़े बड़े सब दुकानें हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे, अगर आप स्क्रीनर में झट से जाओगे तो आप देखोगे ट्रेंड का पीई रेशियो है 170 एज ऑफ दिस डेट, ठीक है, 170 का पीई है। फिर आप जब रेमंड में जाओगे आप देखोगे उसका पीई है 6, और फिर आप जब मोंटे कार्लो में जाओगे तो पीई रेशियो इज 12। तो आपको इमीडिएटली क्या लगेगा, ट्रेंड एक्सपेंसिव है भाई, इसको तो लेनी नहीं है। और इमीडिएटली दूसरे जगह में आपको लगेगा भाई मोंटे कार्लो और रेमंड में तो स्कोप दिख रहा है क्योंकि ये सस्ता है। लेकिन आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड का स्टॉक 170 के पी में क्यों ट्रेड कर रहा है, ये भी पूछना पड़ेगा। और बाकी का दो कंपनी जिसका पी एकदम सिंगल डिजिट में है, वो सिंगल डिजिट में क्यों पड़ा है, वो भी आपको पूछना पड़ेगा। रादर देन जस्ट जंपिंग इन ऑन डे वन थिंकिंग यार ये तो क्या बोलते हैं, मतलब ये तो सस्ता है चलो उठा लो। तो रीजन ये है कि अगर आप ट्रेंड का रिजल्ट्स देखोगे, द कंपनी इज ग्रोइंग एट 40-50% अपना टॉप लाइन, आई थिंक उनका सेल्स ग्रू 50% Q3 ओवर Q3 इन FY24, ठीक है। तो 50% से ग्रोथ है, तो इसीलिए तो इन्वेस्टर्स पागलों की तरह इस स्टॉक के पीछे भाग रहे हैं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, और वैसे भी जब आप ये वीडियो देखोगे तो शायद दुनिया बदल भी गया होगा, राइट। लेकिन आपको ये प्रिंसिपल और फंडामेंटल समझ में आनी चाहिए कि कंपनी 50% से ग्रो कर रहा है, इसीलिए तो वो स्टॉक ऊपर भागे जा रहा है और उसका पी रेशियो 170 दिखता है और वो एक्सपेंसिव लग रहा है। दूसरे साइड में अगर आप मोंटे कार्लो या रेमंड्स देख लोगे, ये कंपनी का कोई ग्रोथ ही नहीं है, मतलब 0% का ग्रोथ बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है, मतलब चेंज इन ग्रोथ कुछ है ही नहीं यहां पे।
पिछले साल भी इन्होंने 100 रुपए कमाए तो इस साल भी 100 रुपए कमा रहे, लेकिन पिछले साल ट्रेंड ने 100 रुपए बनाया, इस बार ट्रेंड 150 रुपए बनाया। गॉट इट? और मार्केट है, मार्केट किसके पीछे भाग रहा है? हाई पेस ऑफ ग्रोथ के पीछे, राइट? तो यहां पे आप सोचिए रिटेल इन्वेस्टर्स क्या गलती कर बैठते हैं। ये मैंने भी किया है, ठीक है, मैं तो चलो ये वाला एग्जांपल लेके बात किया, ऐसे बहुत एग्जांपल दे सकता हूं मैंने ऐसे भी पहले भी बहुत बड़े बड़े मौके मिस किया है। कैसे मौके मिस किया? बिकॉज मुझे हमेशा वो स्टॉक एक्सपेंसिव लगा, लेकिन मैंने उस कंपनी के बारे में ढंग से पढ़ा ही नहीं, से मुझे समझ में ही नहीं आया उस कंपनी का स्कोप क्या है। जो कंपनी 50% से आज ग्रो कर सकता है वो आगे जाके भी 40-50% से क्या पता 4-5 साल कर ले, ठीक है, लेकिन मैंने उस कंपनी के बारे में पढ़ा ही नहीं। मैंने तो स्क्रीनर में सिर्फ एक पी देख लिया और उसको जज करके उसको हटा दिया, और मैंने दूसरे साइड में दूसरे कंपनी जिसका पी सिंगल डिजिट में है, मैंने उसको भी मतलब देखा ही नहीं कि कंपनी में कोई स्कोप ही नहीं है। लेट्स से वो मैनेजमेंट बता रहे कि आगे जाके हम नया दुकानें नहीं खोलेंगे या फिर हम नया ब्रांचेस नहीं खोलेंगे, बहुत सारे हेडविंड्स है, सेल्स गिरने वाले हैं। हमको ये सब चीजें पता ही नहीं है क्योंकि हम कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ते नहीं है। हमने क्या देखा? पी 6 है, उठा लो। फिर क्या होगा? आप उस स्टॉक को लोगे और वो स्टॉक नीचे जाएगा या वही पड़ा रहेगा, फिर आप सोचोगे यार मैंने तो वैल्यू इन्वेस्टिंग किया। इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। तो आई होप आपको ये बात समझ में आता है कि लाइक यस ऑफ कोर्स हमें अगर कोई भी चीज अगर सस्ते पी में मिलता है तो ठीक है, लेकिन वो बिजनेस का अर्निंग्स मोमेंटम होनी चाहिए। मतलब क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं? पी का एक्सपेंशन होनी चाहिए उस कंपनी में। मतलब क्या? मतलब आप एक कंपनी को ट्रैक करो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि रेमंड्स और मोंटे कार्लो को भी आप ट्रैक करो, ठीक है, चलो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, इसको ट्रैक करो। लेकिन जब आप देखोगे कि कंपनी का ग्रोथ का मोमेंटम वापस आ गया है, जब मैनेजमेंट बुलिश है कि आगे जाके हम इतने स्टोर खोलेंगे, गाइडेंस दिया समथिंग लाइक दैट, राइट, तब आप जाके अगर उस स्टॉक को अगले दिन आपको सस्ता मिल रहा है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, स्कोप के बारे में पता नहीं, सिर्फ पी रेशियो देके खरीद रहे हो, तब तो प्रॉब्लम ही है। मतलब क्या? एक अच्छा स्टॉक और आपको पैसा बनाया था, वो भी आप मिस कर गए बिकॉज आपने सिर्फ पी देखा और एट अ वन पर्टिकुलर पॉइंट आपको लगा एक्सपेंसिव है, जबने आपने स्कोप ही नहीं समझा और उसको पूरा चलता किया, मतलब एकदम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गया आपका, राइट, वो स्टॉक और भी आपका मल्टीबैगर बन जाएगा और आप देखते रहोगे कि लाइक ये कैसे हो गया। और दूसरे साइड में आप एक सस्ता स्टॉक लोगे जो उसमें आप और घाटा करते रहोगे और आपको लगेगा ये तो और सस्ता हो रहा है। एक स्टॉक और से और सस्ता तब होता है जब उसका बिजनेस परफॉर्मेंस और से और बुरा बनता जाता है, मतलब जो बिजनेस का ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है। और फिर लेट से फॉर एग्जांपल अगर सेल्स डिग्रोथ होने लगता है तब तो और भी प्रॉब्लम है ना। तो ये दिमाग में आपको रखनी चाहिए।